अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं गई बाज़ार एक दो चीज़ें लेने के लिए और जैसे ही मैं रोड पे पहुंची कि तकरीबन पौने दो का टाइम है, दो का टाइम है और एकदम से इतनी इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। ओले भी पड़े, जो बर्फ़ होती है वो इतनी ज़्यादा पड़ी कि ना मैं पागल हो गई, मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने कहा कि अब तो मैं, हालांकि इतनी दूर नहीं थी घर से लेकिन पैदल चलना नामुमकिन बात। तो फिर उस वजह से मैंने कहा कि अगर मैं एक नाला पूरा बन जाऊंगी, इससे बेहतर ये है कि मुझे ना रिक्शा कर लेना चाहिए। ये मैंने अपनी गली के अंदर रिक्शे वाले को कहा कि इस गली में लेके जाएँ और तेज़ बारिश और तेज़। और रिक्शे वाला भी कहे भाजी आगे खड्डा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं आता, आप बस सीधा सीधा जाएँ। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर जो न्यू है मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि बाबा जी ये है पिपाल रामाजपाल कॉलोनी चावल पिंडी का इलाका है, मोस्ट फेमस इलाका है हमारा। और ये हम गली के अंदर आगे गली नंबर भी चाहूँगी देखना है फिर आपको जो है ना वीडियो बनवाने के लिए यहीं समझे हैं क्या करके दे रहे हैं। तो बस फिर मैंने रिक्शे वाले को काफ़ी और आते करा बाकी मस्जिद तो पीछे रह गई। मैंने कहा मस्जिद पीछे रह गई गली तो आ गया ना, तो फिर मस्जिद वाली गली भी आ गई थी लेकिन घूम जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और बारिश थी। और आप यकीन करें कि मैं इतने थोड़े से फासले के लिए इसको 100 रुपया दिया, थोड़े से फासले के लिए 100 रुपया दिया था, लेकिन क्या करूँ, देना तो था ना और मुझे जाना भी था। और आप देख तो रहे हैं कि इतना हसीन मंजर में मैं कैसे तैर के नहाती जाती। फिर मैं घर आई, बाया उतारा और ओले पड़े थे तो मैंने कहा मैं ओले भी आप लोगों को दिखा दूँ। बड़े ही फिट किस्म के ओले पड़े थे और दूर से मैं दिखा रही हूँ लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आनी। तो बारिश भी हो रही थी लेकिन आपको पता है फिर मेरे अंदर काबू कहाँ। और फिर मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊँ एक और चीज़ कि ये देखिए हमारे घर पानी ना इधर से बहुत ज़्यादा गिरा था, ये प्रॉब्लम हो जाती है जब तेज़ बारिश हो ना, फिर रूम में पानी आना शुरू हो जाता है। तो बस इसलिए मैं कहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर पूरे हों, वॉच टाइम पूरा हो और मेरी इनकम स्टार्ट हो तो मैं भी अपने घर को अच्छा सा करूँ जैसे तमाम यूट्यूबर्स करते हैं। तो बाकी ये है कि किचन में भी आ गया था पानी और मौसम अभी भी बहुत आउट क्लास का था तो मैंने कहा लेकिन फिर भी बाहर जाके आपको ये ओले दिखाऊँ। तो फर्श बाहर बहुत ठंडा था लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं जाऊँ तो दिखाऊँ आपको। और बैकग्राउंड की आवाज़ को ज़रा आप इग्नोर करिएगा, ये देखें, ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त किस्म की गिरी हुई थी ये। और जब मैं सीढ़ियों पर आ थी मैंने कहा या तो मैं नीचे वापस आऊँगी रोड के, लेकिन जो करा कि मैंने अपने कदम जमाए रखे और बढ़ती गई। और वो देखें वो नॉलेज से मैं गुजर के आई। और आप सोचें कि अगर मैं पैदल आती 100 रुपया ना लगाती तो 2-500 तो इसी तरह ही लग जाने थे मेरे ऊपर दवाइयों पर। तो बस फिर इसी तरह मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई, बारिश इंजॉय किया और आप लोगों को दिखाया। अब अफ्तारी बना के मैं सुकून से बैठी हूँ और बस अब जाऊँगी अंदर थोड़ी सी सेटिंग करूँगी। बहुत गंद मचा हुआ है, फर्श बड़ा ठंडा था, आउटस्टैंडिंग था। तो इसी तरीके से मेरे व्लॉग देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।